दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। दुनिया में ऐसी तमाम ना जाने कितनी जगहें हैं जो बेहद ही अजीब हैं, और लोग यहाँ पर आना तो दूर इनका नाम लेने से भी कतराते हैं। ऐसी जगहें लगभग दुनिया के हर देश में ही होती हैं, और आज हम आपके लिए ऐसी ही एक जगह के बारे में बता रहे हैं। यह एक रहस्यमय जंगल है जहां जाने पर आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। यह रहस्यमय जंगल जापान के मियाज़ाकी इलाके में स्थित है। इस जंगल की सबसे अजीब बात यह है कि इसे ऊंचाई से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो यहां पर कोई दूसरी दुनिया का अंतरिक्ष यान उतरा हो। इस जंगल के पेड़ अजीबोगरीब तरीके से गोल सर्कल जैसी आकृति का निर्माण करते हैं। अगर कोई इंसान फ्लाइट या हेलीकॉप्टर में इस इलाके के ऊपर से गुजर रहा हो तो वह इस जंगल में बनी इस रहस्यमय आकृति को देखकर चकरा जाएगा। चलिए जानते हैं इस जंगल के रहस्य के पीछे की पूरी घटना। दरअसल यह जंगल अपने आप नहीं उगा है, बल्कि यह वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक गुप्त एक्सपेरिमेंट का प्रभाव है। इस एक्सपेरिमेंट को हाल फिलहाल में नहीं बल्कि आज से करीबन 60 साल पहले किया गया था, जिससे यह रिएक्शन इन जंगल के पेड़ों में फैल गया। दरअसल आज से 60 साल पहले जापानी सरकार के द्वारा एक खुफिया एक्सपेरिमेंट को किया जाना था, जिसे वह दुनिया से छिपाकर रखना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने इस जंगल में खुफिया लेबोरेटरी तैयार करी और उसमें खुफिया शोध चालू कर दिया, और उससे वह रिएक्शन इस जंगल में फैल गया, और कुछ महीनों के बाद वह वैज्ञानिक भी इसी लैब में मारे गए। तब उस समय की सरकार ने इस लैब को तबाह कर दिया और इस खुफिया शोध के सारे दस्तावेज भी नष्ट कर दिए। लेकिन इस शोध में जापानी वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, यह आज तक कोई नहीं जानता, और 60 साल बाद आज इसका रहस्यमय सबूत हमारे सामने आ चुका है। आखिर वैज्ञानिकों ने वहां क्या रहस्यमय शोध किया था, यह कोई नहीं जानता। लेकिन इस इलाके में पिछले 20 सालों से शोध कर रहे वैज्ञानिकों की माने तो 60 साल पहले जापानी वैज्ञानिक यहां पर एलियन टेक्नोलॉजी और उनसे संपर्क करने की कोशिश में ही काम कर रहे थे, और उनको इसमें सफलता हासिल भी हो गई, जिससे बाद में जंगल में दूसरी दुनिया के लोग अपने विमान से उतरे, और उसी के कारण यह जंगल और उसके वनस्पतियों में ऐसा बदलाव आया है। लेकिन अगर यह सब सत्य भी है तो आखिर उन सभी वैज्ञानिकों की यहां रहस्यमय तरीके से मौत कैसे हो गई? क्या उन्हीं एलियंस ने उन्हें मार डाला, या वह किसी और रहस्यमय शोध के कारण मर गए? इस इलाके में पिछले 20 सालों से शोध करने वाले बॉटनिस्ट और इसके आसपास रहने वाले स्थानीय लोग तो यही मानते हैं कि वह वैज्ञानिक इस लैब के जरिए दूसरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश में ही थे, और एक दिन उन्होंने इस जंगल में दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल दिया,
जिससे एलियन धरती पर आ सकें। लेकिन उस दूसरी दुनिया के दरवाजे से कोई एलियन तो नहीं आया, लेकिन उस ऊर्जा को वैज्ञानिक कंट्रोल नहीं कर पाए और दुर्घटना में सभी के सभी मारे गए। दोस्तों, चाहे हम इस घटना को सच माने या झूठ, लेकिन एक बात तो सच है कि जापानी वैज्ञानिक उस सदी के सबसे खुफिया शोध में लगे हुए थे और कुछ तो उन्होंने हासिल कर लिया था, जिसका सबूत यहाँ का यह जंगल है जो इस दुनिया से परे इस घटना में दूसरी दुनिया का हाथ होने की घटना को जरूर दर्शा रहा है। और यही शोध भी उन सभी वैज्ञानिकों की मौत का कारण भी बना। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट में लिखकर हमें भी जरूर बताइएगा।